अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अगर आपको भी बुरा लगा तो शायद आप एक हिंदू हो और अपने रिलीजन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। अगर आपको बुरा नहीं लगा तो शायद आप बहुत ज़्यादा उदारवादी सोच रखते हो और बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्याल वाले हो और इन मोहतरमा की तरह। तो कैसे देखा आप सभी ने इस वीडियो में कि इस पिक्चर में कैसे हमारी माता काली का उनका एक अश्लील चित्रण किया गया, उनको धूम्रपान करते हुए दिखाया गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष चौहान और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस छोटे से YouTube चैनल पर। तो अब बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट्री मूवी के बारे में जिसका नाम काली रखा गया और उसकी जो निर्माता हैं उनका नाम है लीना मनी मेकलई। वैसे एक इंडियन है और उनका जन्म मदुरई में हुआ था यानी इंडिया में, बट ये रहती फिलहाल कनाडा में है और कनाडा में बैठ के अपनी इस मूवी के द्वारा करोड़ों जो इंडिया में हिंदू रह रहे हैं उनकी आस्था के साथ मैडम खिलवाड़ कर रही हैं। अब मैडम बहुत ज़्यादा खुले विचारों वाली हैं, बहुत ऊंचे दर्जे वाली हैं, अपने आप को सबसे अलग दिखाना है तो ऐसे कांड तो करने पड़ेंगे और प्लस अपनी डॉक्यूमेंट्री मूवी को फ्री में प्रमोट भी तो करना है, तो रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करो, खास करके हिंदू धर्म के साथ उनमें कुछ ऐसा सीन दिखा दो जिससे आपकी मूवी को फ्री में पब्लिसिटी मिल जाए। चीप ट्रिक्स जो मैडम अपना रही हैं। अब आप इस मूवी के सीन को ही देख लो, कैसे हमारी माँ काली का अपमान किया गया, उनके एक हाथ में सिगरेट दूसरे हाथ में सतरंगी झंडा दिखाया गया। जी हाँ, LGBT वाला, LGBTQ वाला। हाँ गाइज, तो मैं LGBT को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो LGBT बहुत अच्छी, LGBT को सपोर्ट करता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि इन मोहतरमा की सिर्फ एक ही मूवी कंट्रोवर्सीज में फंसने जा रही है, उससे पहले भी मैडम ने एक रेप नेशन करके एक मूवी बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री मूवी, जो कि एक बंगाली डॉक्यूमेंट्री मूवी थी और उसमें बहुत बड़े बड़े रेप केसेस को हाईलाइट किया गया था, उसमें उसके बारे में बताया गया था और उसके थ्रू बताने की कोशिश की गई थी कि इंडिया इज एन रेप कैपिटल। सॉरी गाइज, बट यही सच्चाई है। अब आप लोग इन मोहतरमा की मानसिकता को समझिए, ये मोहतरमा मोहम्मद जुबेर को सपोर्ट करती हैं, वो मोहम्मद जुबेर जिसके ऊपर ये आरोप समय समय पर लगते आ रहे हैं कि वो इंडिया का अपमान करता है और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, जो कि सच भी है। और फिलहाल मोहम्मद जुबेर अभी ससुराल पे गए हैं कुछ दिन के वेकेशन पर, यानी दिल्ली के जेलों में बंद है। अच्छा, तो गाइस अब आप लोग इस वाले केस को नुपुर शर्मा केस के साथ जरा मैच करने की कोशिश कीजिए। अब नुपुर शर्मा ने जो अपना बयान दिया वो इंडिया में दिया, पर उसके ऊपर जो प्रेशर बनने लग गया वो बहुत सारी विदेशी कंट्रियों का प्रेशर एक साथ इंडिया पे पड़ा कि नहीं भैया इसको तो सजा दो, नहीं हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, तुम उसको सजा दो। अपने जो भी एम्बेसडर थे उनको तलब किया गया। क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इतना सा भी गुदा है कि वो कैनेडा में बैठे मनी जी के ऊपर एक्शन ले पाए और अपने राजदूत को तलब कर पाए? तुम्हारे अंदर नहीं है भैया गुदा इतना सा भी। तो गाइस, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रकार हिंदू धर्म का अपमान करना बंद करो और हाँ, दूसरे धर्मों के बारे में ऐसा कुछ करने की सोच भी मत लेना, क्योंकि अनाउंसमेंट तो कर दोगे तुम अपनी मूवी की पर रिलीज देर तक तुम जिंदा नहीं रहोगे, है ना। प्लीज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज गाइस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। जय हिंद।